जैसे जैसे भोजन के बारे में हमारी समझ बढ़ती गई, इतना तो हमें पता चली गया है कि भोजन में जितनी ज्यादा विविधता हो उतनी ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतरी है। पिछले कुछ वर्षों में पोषणकर्ताओं, वैज्ञानिकों एवं आम जनता का ध्यान गेहूं चावल से अलग अनाजों की तरफ गया है। इनमें प्रमुख तौर पर कदन्न है, जैसे कि बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी इत्यादि। लेकिन इसके अलावा भी एक और समूह होता है छद्म अनाजों का, यानी स्यूडो सीरियल्स, जिसमें रामदाना यानी चौलाई, कुट्टू यानी कि बकवीट, कीनवा इत्यादि शामिल हैं। हमारे देश में कीनवा कुछ राज्यों में उगाया जाता है, जैसे कि उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि। यह अधिकतर सूखी लवणीय जमीन पर भी उग सकता है और ज्यादा देखभाल की इसको जरूरत नहीं होती। इसमें प्रोटीन की मात्रा 12-16% है और यही नहीं, इसकी गुणवत्ता भी बहुत अधिक है, यानी कि ये कंप्लीट प्रोटीन है। इसके अंदर सभी आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। लाइसिन की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में है। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं। विटामिन ई की मात्रा भी इसमें काफ़ी अधिक है। यही नहीं, इसमें विटामिन बी फोलेट की मात्रा भी बाकी सभी अनाजों से लगभग दुगनी है। हमारे देश में किसान भाइयों ने इस फसल को उगाया तो सही, लेकिन आम जीवन में अपनाना नहीं जानते। कारण ये है कि इसका बीज थोड़ा कड़वा होता है और इसको उपचार करने की विधि अलग है। इसके अंदर सैपोनिन होते हैं, यानी कुछ कड़वे तत्व हैं जो पानी में घुल जाते हैं। लेकिन इनको अलग करने के लिए सबसे पहले हम एक राइस पॉलिशर में लगभग 30 सेकंड तक घुमाते हैं। इसके बाद में इसको 3-4 धुलाई अच्छे से बहते हुए पानी में देनी है, ताकि इसका कड़वा सैपोनिन धुल के निकल जाए। अच्छी तरह से धोने के बाद पानी को निथार लें और जो दाने आए हैं इनको ड्रायर में डालकर सुखा लें। ड्रायर में डालने के बाद ये दाने बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। इसका कोई भी अलग से स्वाद नहीं है, कोई भी कड़वाहट इसमें नहीं रह जाती। इसके बाद इसको आराम से किसी भी साधारण मिक्सी या चक्की में, बहुत ही मुलायम दाने होते हैं, इसको साधारण मिक्सी में भी आप इसको पीस सकते हैं या चक्की में, और ये आटा प्रयोग के लिए तैयार है। ज़्यादातर लोग इसका उपयोग सिर्फ उपमा की तरह खाकर करते हैं, लेकिन पूसा संस्थान में हमने इस आटे को बहुत सारे अलग अलग उत्पादों में डालकर देखा है, जैसे कि ग्लूटन रहित मफिन्स, बाजरे के साथ मिलाकर हमने ये तला हुआ नाश्ता तैयार किया है। इसके अलावा डोनट्स बनाए हैं, ब्रेड्स बनाई हैं। आइए देखते हैं ग्लूटन रहित पास्ता कैसे बनाएं। ग्लूटन रहित पास्ता के लिए हम चावल का आटा लेंगे, कीनवा लेंगे, हमारे पास पानी है, थोड़ा सा तेल और बाइंडर की तरह कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज यानी कि CMC, जो कि आम दुकानों पर भी उपलब्ध है। इनको उचित मात्रा में हम मिलाकर पास्ता मेकिंग मशीन में डालेंगे और फिर मनचाहा आकार देने के लिए किसी डाई से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये डाई से निकलते हुए पास्ता आपको दिख गए हैं। पास्ता को डाई से निकालने के बाद इसको ओवन में ले जाकर सुखाया जाता है। ओवन में जब हम रखते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि नमी का स्तर अधिक हो। यदि नमी नहीं होगी तो पास्ता सूखने के समय उसके अंदर दरारें पड़ जाएंगी, यानी क्रैक्स आ जाएंगे, और जब आप उबालेंगे तो वो दरारें फटना शुरू हो जाएंगी। इसलिए जब हम पास्ता को सुखाते हैं तो अधिक नमी वाली अवस्था में सुखाना चाहिए। 1 घंटे तक हमने इसको सुखाया और उसके बाद में बाहर निकाल कर इसको पैक कर लिया। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमने सफ़ेद चावल के साथ मिलाकर बनाया है पास्ता, और उसी तरह हमने काले चावल के साथ मिलाकर भी पास्ता बनाया है, यानी कि ग्लूटन रहित ब्लैक राइस पास्ता। ग्लूटन रहित ब्लैक राइस पास्ता में आपको कीनवा के गुण तो मिल ही गए, लेकिन साथ साथ ब्लैक राइस के एंथोसाइनिन्स के गुण भी मिल गए। तो इस प्रकार हो गया एक सुपर फ्रूट तैयार। ये सिर्फ एक ही उदाहरण है, बाकी बहुत सारे उत्पाद हम कीनवा से बना सकते हैं।